कुछ आंकिक प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आंकिक प्रश्नों पर देखेंगे जिसमें आपके दो क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, जिसमें पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है एक लीटर के मिलियन में 730 ग्राम विलायक है तो विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा क्या चीजिए। ध्यान दीजिए जो है विलेय कितना दिया गया आपका एक लीटर दिया गया। तो पहला क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिए, जैसे विलेय विलेय का द्रव्यमान यहां पर हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान एक लीटर, तो एक लीटर का मतलब हुआ कि एक लीटर कितना ग्राम होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम मिलियन का द्रव्यमान बराबर यहां हो जाएगा 1000 ग्राम, क्लियर हुआ, 1000 ग्राम का। अब उसमें जो है देखिए विलायक कितना दिया गया है 730 ग्राम विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर दिया गया है 730 ग्राम, कितना दिया गया है 730 ग्राम विलायक दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है, विलेय की मात्रा ज्ञात करना, विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, अर्थात विलेय का कितना द्रव्यमान होता है। तो विलेय का द्रव्यमान मान लीजिए जो है कि आपका यस, ठीक है, माना विलेय का द्रव्यमान बराबर मान लीजिए आपका यक्ष ग्राम, क्लियर हुआ, कितना ग्राम है एक्स। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहां से अब ठीक है किससे कैसे करें क्या करेंगे कि जो है कि विलेय का द्रव्यमान क्या, इसके लिए आपका सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का कितना द्रव्यमान दिया गया है 1000 ग्राम दिया गया है, ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान मैंने मान लिया कि यक्ष है, तो यहां पर ये हो जाएगा यक्ष हो जाएगा, ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान जो मैंने माना है वो कितना दिया गया है 730 ग्राम दिया गया, 730 ग्राम यहाँ पर लिख लेंगे हम जो है। अब क्या करेंगे कि यक्ष अधिकृत 730 को यदि लेफ्ट से राइट लेकर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा यक्ष बराबर 1000 ग्राम माइनस हो जाएगा 730 ग्राम, माइनस कितना हो जाएगा इसमें 730 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ध्यान से यक्ष बराबर 1000 ग्राम माइनस 730 ग्राम, ठीक है। अब इसमें से 730 ग्राम को घटाना है तो यक्ष बराबर यहां से हो जाएगा, ठीक है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अब 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 7, 9 बचा 9 में से 2 घटाएंगे 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका जो है 2, अर्थात टोटल कितना ग्राम हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, 270 ग्राम। लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का
थीटा, कितना हो जाएगा जो है 270 ग्राम। तो क्लियर हुआ जो है कि आपका किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर लिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विलयन में 350 ग्राम विलेय पदार्थ तथा 650 ग्राम विलायक का पदार्थ है, तो कितना विलयन प्राप्त होगा, कितना विलयन प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए जो है, तो इसमें दिया गया है विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 650 ग्राम दिया गया है। विलायक का कितना दिया गया है 650 ग्राम और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, का द्रव्यमान बराबर दिया गया है 350 ग्राम। 350 ग्राम तो मानिए कितना विलयन प्राप्त होगा, तो विलयन का द्रव्यमान मान लीजिए जो है माना विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर मानिए कि आपका यक्ष, कितना मान लिया मैंने जो है यक्ष मान लिया जो है, तो ध्यान दीजिए यार, ठीक है, तो माना विलयन का द्रव्यमान मैंने यक्ष माना, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया आपका जो है 350 ग्राम दिया गया है, कितना दिया गया है 350 ग्राम। यहां से हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर, ठीक है, तो आपका विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है वह दिया गया 350 ग्राम धन। फिर उसके बाद विलायक के पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है 650 ग्राम, यह हो जाएगा जो है 650 ग्राम। क्लियर हुआ, आप इन दोनों को एड करेंगे, यहां से हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर आपका जोड़ेंगे इसको तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो पांच में पांच जोड़ेंगे तो दस, जीरो छह को तीन जोड़ेंगे तो नौ, एक आपका हो जाएगा दस, अर्थात ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अर्थात विलयन कितना आपका विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 1000 ग्राम, अर्थात कितना विलयन बनेगा आपका जो है, अर्थात आपका विलयन जो है 1 लीटर विलयन प्राप्त होगा। क्लियर हुआ जो है,
तो ये आप सबको आप उनको समझ में आया होगा जो है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है इससे विलियम और विलियम विलायत के आधार पर जो है विलियम की सांद्रता से संबंधित उनकी परिभाषाओं के साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल अर्थात आंकड़े प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।